सहारनपुर में देर रात लूट की योजना बना रहे बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। दरअसल बिहारीगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि कोठड़ी बहलोलपुर इलाके में कुछ बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके की घेराबंदी करते हुए चेकिंग शुरू कर दी। सामने से आ रहे बदमाशों को पुलिस ने चेतावनी दी। बदमाशों ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी, जिनको पुलिस ने दबोचा। दो बदमाश पुलिस पर फायर करते हुए भाग निकले, मगर कुछ ही देरी पर पुलिस ने उन्हें भी दबोच लिया। पुलिस ने चारों बदमाशों के पास से कई तमंचे कारतूस बरामद किए हैं। घायल पुलिसकर्मी और बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। बदमाश थे, पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो अचानक उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर की गई, जिससे दो बदमाश घायल हुए और एक हमारा कांस्टेबल घायल हुआ है। इनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। विस्तृत पूछताछ के बाद जानकारी प्राप्त हो पाएगी। सर, क्या कुछ इन लोगों से बरामद हुआ है? अभी इनसे जो और भी दो लोग उनके पकड़े गए हैं, उनसे पिछले मामले में कुछ घटनाएं हुई थी, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।